परवा प्रीतम करहो विचार, घट मह खेल अकट अपार, काड़ कल्पना कदे ना खाए, आद पुरख मह रह समाए, दुतिया दोहों कर जाने अंग, माया ब्रह्म रमै सब संग, ना उबड़े ना कटता जाए, अकुल निरंजन एक पाए, तृतीया तीने साम कर लियावे, आनंद मूल परम पद पावे, साधु संगत उपजे विश्वास, बाहर भीतर सदा प्रगास, चौथे चंचल मन को गहो, काम क्रोध संग कभो न बहो, जाल थाल माहे आप है आप है, जपो अपना जाप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज सतगुरु जी दे सजे हुए पावन दरबार दियां हाजरियां भर रहे गुरु सवारे सतसंगी जनो, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा कीती है, सतगुरां दी अमृतमई पावन बाणी दा कीर्तन गुरु सवारियां पासों आप जी ने बड़े अदब सत्कार सहित श्रवण कीता है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी दे विचों अज सवेर दे दीवाना तो भगत कबीर साहब जी की उचारण कीती हुई पावन बाणी थिती राग गौड़ी दे विचों जिसकी लड़ीवार कथा विचार आरंभ कीती गई है, जिस विचों आप जी ने कबीर साहब जी का यह पावन उपदेश पाठ रूप में श्रवण किया है। यतन यह है सतगुरां दी पावन बाणी दे विचों खास रूप में वह बाणियां जिन्हां दी संगति रूप में बहुत घट विचार करन दा समा बनता है उन्हां दी विचार दे नाल सांझ पाउण दा यतन किया जाए। धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी विच थिती नाम दियां तीन बाणियां हन। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की उचारण कीती हुई राग बिलावल दे विच, धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी की उचारण कीती हुई राग गौड़ी दे विच, अते भगत कबीर साहब जी की उचारण कीती हुई राग गौड़ी दे विच। एके नाम दियां तीन महान पुरखां दियां उचारण कीतियां होईयां तीन बाणियां धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे विच सुभायमान हन। इन्हां पावन बाणियां दी जो लिखण दा ढंग है तकरीबन इक्को जिहा है। सतगुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन बाणी जिस दे वी बंद हन, और इत्थे कबीर साहब जी की यह पावन बाणी
जिस दे कोल आठ बंद हैं, सोलह बंद हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की इस मुबारक बाणी दे विच रहाओ दा बंद है, धन गुरु अर्जन साहब जी की थिति बाणी विच भी रहाओ दा बंद है, धन गुरु नानक साहब जी की थिति बाणी विच भी रहाओ दा बंद है। इस तो पहली जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने पहले बंद विच इस पावन बाणी दा मंगले चरण दे रूप दे विच जिक्र कीता है, फिर इस तो अगे थिति बाणी की आरंभता की और रहाओ दा बंद जिसका पाठ और विचार आपां पहलां सांझी कर चुके हैं। अमावस शब्द का भाव है अमावस, भाव ओ थित ओ वक्त जदों सूरज अते चंद्रमा की राशि इक्के जगह दे उत्ते आके मिल जाती है। संखेप में इसनूं जाण लईए तां कि सौखे ढंग नाल समझ विच आ जाए, ये साडी धरती दे नाल चंद्रमा का एक सूरज का बड़ा गहरा संबंध है। समय नूं मापण तोलण वास्ते सूरज दे हिसाब नाल भी कैलेंडर चलता है, चंद्रमा दे हिसाब नाल भी कैलेंडर चलता है। जिहड़ा असी संगरांद दे चेत वैसाख जेठ आषाढ़ इत्यादि के बारह महीने इन्हां दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विचों पढ़ते हैं। वैसे दो बारह माह गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच ने, एक गुरु नानक साहब जी का उच्चारण किया राग तुखारी दे विच है, एक गुरु अर्जन साहब जी का उच्चारण किया राग माझ दे विच है। पर ज्यादातर क्योंकि गुरु अर्जन साहब जी के बारह माह का पाठ हुंदा है, उस बारे बहुत संगत जानती है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी विच एक तकनीक एक ढंग है उपदेश देने का। वह जिहड़े बारह महीनों का जिक्र है वह सूरज के हिसाब न आते हैं, जिहड़ियां थित्तां हन जिस दे विच असी मस्या का पूर्णमाशी का यह तकरीबन पंद्रह दिन का दोवां दे विच अंतर हुंदा है, यह सारिया दियां सारिया चंद्रमा के हिसाब नाल उहदे समय के माप तोल नाल रखियां गईयां ने। तो जिते गुरु पातशाह जी की बाणी के बारह माह के हिसाब नाल बारह महीनों के संकेत वरत के उपदेश दिता गया है, उत्थे सतगुरां ने थिति इन्हां दे नाम दे उत्ते थित्तां दे नाम दे उत्ते भी सतगुरु जी ने संकेत वरत के उपदेश बख्शिश कीता है। भावना सारी बाणी दी इक्को ही है, मनुख नूं सच्यारा सुचज्जा जीवन जीवन जुगती बख्शिश कीती जाए, मनुख दे जीवन विचों कूड़ अग्ञानता दा हनेरा निकले, मनुख दे जीवन विच सच दा प्रकाश होवे ते ओह रब्बी गुणा वाला रब्बी हुक्म वाला चंगा ते उच्चा धर्मी जीवन बतीत करे। इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन बाणी विचों आपां जिस बाणी दी विचार कर रहे हां, इस विच पहला बंद सी अमावस दा, जिथे सूरज ते चंद्रमा दीआं राशियां कट्ठियां हो जांदियां ने एक दिशा च हो जांदियां ने उहनूं अमावस कहिंदे हन। ਇਹ ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਕੇਤ ਵਰਤ ਕੇ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੂੜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਪਾਪ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡੜਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਹਉ ਭਾਲ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਹੋਈ ਅੰਧੀਰੈ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਵਿੱਚ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਦੁੱਖ ਰੋਇ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਬਿਧ ਗਤ ਹੋਈ। ਤੋ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ
मस्या की रात का प्रतीक वरत लिया करते सन। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी का यह बचन आपां पहला विचारिया है, जिन्हां पावन पंक्तियों का पाठ आप जी ने श्रवण किया है वह एकम थित तो शुरू होंदिया ने। पहला शब्द आया है परवा प्रीतम करो विचार। परव कहिंदे हन पहली थित नूं, इहो थित है जिसनों गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की बाणी विच एकम भी कहा गया है। गुरु नानक साहब इस बारे कहिंदे ने एकम एकंकार निराला अमर अजोनी जात ना जाला। इस नूं धन गुरु अर्जन साहब अपनी थिती बाणी विच बख्शिश करदिया होया फरमाउंदे ने, एकम थित दे बाबत उपदेश दिंदिया होया प्रतीक वरत के वो एकम एकंकार प्रभ करो बंदना त्याए गुण गोविंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय ताकि आस कल्याण सुख जाते सब किश होए चार कुंट दंदिश भ्रम्यो तिस बिन अवर न पोए। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की यह पावन बाणी कबीर साहब इस विच कहिंदे ने पहली थित दे बाबत संकेत वरत के प्रीतम करो विचार। अकाल पुरख दे गुणा दा हे भाई अपने मन अंदर विचार करो, भाव रब्बी गुणा दा अपने मन अंदर चिंतन करो। जेड़े गुरु दे राही सानू अकाल पुरख दे गुण सतगुरु जा शब्द दसदा है उन्हां गुणा दी विचार अपने जीवन विच करो। वैसे विचार शब्द गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी च बड़ी थाई वख-वख ढंग दे नाल, किते शब्द दी विचार करन दी गल बाणी ने कही है, किते अकाल पुरख दे गुणा दी विचार करन दी गल बाणी ने साडे नाल सांझी कीती है। एक थाए सतगुरां दा शब्द आउंदा है जिस विच हजूर कहिंदे ने हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई। जिवें सवाणी दुध नूं जाग लाउंदी उदां ही बन जांदा है, फिर उस नूं मधाणी दे नाल रिड़किया जांदा सी उस विचों मक्खण तत कढ़न वास्ते। सतगुरु जी वो प्रतीक वरत के उदाहरण वरत के कहिंदे ने अपने मन अंदर रिड़को। बिलोवन दा अर्थ हुंदा है रिड़कना। हुण इह रिड़कना की है? सतगुरु कहिंदे हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई। एक तां हुंदा है वी धर्म दे जां रब दे नाम दे उत्ते कर्म कांड करना, रब नूं याद करन दीआं जो संसार विच तरां तरां दीआं जुगतां ने तरीके ने उन्हां दे विच उलझदे रहना। इत्थे गुरु महाराज कहिंदे बड़े अडोल ढंग नाल बड़े सहज नाल अपने मन दे नाल रब्बी गुणा दी विचार करो अपने आप नाल, क्योंकि सतगुरां ने अगे जाके शब्द वरते है हर का बिलोवना मन का विचारा। रब दे नाम नूं रिड़कना की है? कहिंदे मन नाल रब्बी गुणा दी विचार करनी, मन नाल मानसिक तौर उत्ते रब्बी गुणा नाल जुड़न दी कोशिश विच लगे रहना, मन नूं समझाउंदे रहना, मन दे नाल गुरु दे पावन बचना दी सांझ बनाउण दी कोशिश ते आहर विच लगना, मानसिक तौर उत्ते रब्बी गुणा दे नेड़े होना, इहनूं मन दी विचार कहा गया है। असीं इक मुहावरा आम रूप विच वरतदे हां कि मैं अपने मन नाल विचार करके दसांगा, यानी कि अजे मैं इस गल उत्ते रेडी नहीं तैयार नहीं, पहलां मैं अपने आप नाल सोच लवां इस गल की विचार कर लवां भी किवें होएगा किस तरह होएगा। तो इस नूं असीं आखदे मैं अपने मन नाल सलाह कर लवां, मैं अपने आप नाल विचार कर लवां, जदों मैं किसी निर्णय उत्ते पुज गया फिर मैं तुहानूं अपनी सलाह दस देंगा। हुण अपने मन नाल सलाह करना की है? किसी चीज़ का चिंतन करना, उस चीज़ के भाव नूं समझना, उस चीज़ की डूंघाई नूं गंभीरता नूं जानना, ते फिर अपने आप बारे उस चीज़ दे नाल पूरी तरह अपने आप नूं रेडी तैयार कर लैना, इस नूं मन दी विचार आख्या जांदा। हुण धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पवित्र बाणी विच हर का बिलोवना मन का विचारा गुरप्रसाद पावै अमृत धारा। महाराज कहिंदे ने जदों असीं अपने मन नाल गुरु दे उपदेश दी रब दे गुणा दी विचार चिंतन करदे हां मंथन करदे हां अपने अंदर ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਉਚੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
कदे गौर करना किन्नी भी कीमती गल असी बाहरी रूप विच पढ़िए भी ते सुनीए भी जिन्ना चिर असी अपने अंदर उन्हां गल्लां नूं वसाउण दी ते उन्हां गल्लां बारे सोचण दी कोशिश नहीं करते उन्ना चिर असी उन्हां गल्लां नूं फॉलो नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर उत्ते बाणी दे विच बचन आउंदा है जिथे सतगुरु कहिंदे ने भी सेवक सिख पूजण सब आवें सब गावें हर हर उत्तम बाणी। अगे बचन है गाव्या सुनिया तिन का हर थाए पावे, जानी के गुरु दे सन्मुख आउण दी, गुरु दे बचन सुन दी ते गाउण दी, गुरु दे बचन कथन दी, इहदे उत्ते भी एक कंडीशन है भी सारे कदों थाए पै सकदे ने। इहने भी कल्ला कथ लिया ते ठीक है, गा लिया ते ठीक है, सुन लिया ते ठीक है, इन्हां उत्ते भी एक शर्त है भी ये सारे कथिया होया गाया होया सुनिया होया बयान किया होया कदों थाए पै सकदा। इन्हां दे उत्ते जिहड़ी शर्त है वह है गाव्या सुनिया तिन का हर थाए पावे जिन सतगुर की आग्या सत सत करमन। गाउणा चंगा काम है, सुनना चंगा काम है, कथना चंगा काम है, पर क्योंकि गाउण सुन ते कथन दा भी कोई मकसद है, इहने भी बेमकसदी गल है कि असी केवल अपना एंटरटेनमेंट करन लई सारा कुछ कर रहे हाँ। गुरु पातशाह कहिंदे इन्हां दा भी एक मकसद है भी जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। गाउण तो लैके मन्नण तक, कथन तो लैके ते सुन तो लैके मन्नण तक दी स्टेज उत्ते पहुंचना एक सफर है जिहड़ा जगियासू नूं तय करना पैंदा है, सिखियार्थी नूं तय करना पैंदा है। ते मन्नण तक दी स्टेज ते आउण तों पहलां मनुख अपने आप नूं तैयार करदा है भी ये गल मेरे जीवन राहीं प्रगट होवे, मैं इस नूं अपने जीवन विच अपने किरदार राहीं अपने कर्म ते अपने जीवन राहीं हंडा सकां जी सकां। हुण कोई गल सुनी गई है, कोई गल कथी गई है, कोई गल बयान कीती गई है, जो पाठ कीता गया है वो तो फिजिकली असी बाहरी रूप विच गा भी लेंदे हाँ सुन भी लेंदे हाँ, पर जिन्ना चिर साडा मन साडी सुरत दा संबंध उस बोल बचन नाल नहीं बनता जिहड़ा गाया जा रहा है जिहड़ा सुनिया ते कथिया जा रहा है वो मन्नण विच नहीं आ सकदा। मन्नण विच उह तदों आएगा जे साडे मन दा सुभाव उस मुताबक ढल गया ते बन गया, क्योंकि असी कर्म तो उही करने ने जो साडे मन दी रजा है मन दी मर्जी है। ते जे मन दी मर्जी साडे एक इतिहासक ग्रंथ विच उदाहरण है गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जिस वेले सुल्तानपुर दी मस्जिद विच काजी नूं ते नवाब दौलत खां ते होर जिहड़े नमाजी सन उन्हां नूं उपदेश दे रहे सन, साखी आप जी चंगी तरह जानदे हो कि गुरु नानक महाराज उन्हां नूं एक उत्तर दिंदे ने, वो पुछदे ने भी सतगुरु जिवें तुसीं आख्या भी मन नमाजी नहीं बनिया शरीर नमाजी हो गया, शरीरक तौर उते असी नमाज की सारी मर्यादा भी मनी ते उन्हूं निभाया भी, पर मन किसी मर्यादा का पाबंद नहीं, मन अपनियां उडारियां विच है अपने सफर विच है अपने उसे सुभा के मुताबिक उस पासे ही चस्के पूरे कर रहा है जो ये अंदर पहलों तो बनया होया। चाहिदा तो यह सी भी मैं जिस खुदा नूं अपनी रसना तो दे गुण गा रहा हाँ उस बारे कुछ कह रहा हाँ मेरा मन भी उसनूं असैप्ट करे कबूल करे, पर यह हुंदा नहीं। उत्थे एक उदाहरण कवि जी ने दित्ती कहिंदे ने महाराज ने यह बचन कहा भी जदों किसी घोड़े नूं जिहड़ा अजे नवा घोड़ा है जिस उत्ते कदे किसी ने सवारी नहीं कीती जदों सवार ने उस उत्ते काठी पा के चढ़न की कोशिश कीती तो उस अल्प घोड़े ने उसनू नवे घोड़े ने उसनू पटका के जमीन ते सुट दिता, क्योंकि उन्हूं अजे आदत नहीं सी भी उहदे पेठ उत्ते कोई बैठे ते उहदी लगाम हाथ च फड़ के उन्हूं चलावे। एक वार नहीं कई वार ते सैकड़े वार ही कोशिश करनी पई फिर जाके वह घोड़े नू सवारी चुकन की आदत पई सैकड़े वार, क्योंकि जेड़ा उहदे सुभा तो जाणू सी ना उहनूं पता सी इस गल दा कि पहली वार ही इन्हें मैनू अपनी पेठ उत्ते बैठ के सवारी करन की आग्या नहीं देनी।
इनू अजे आदत नहीं बनी। एक वार, दो वार, चार वार, वो जिन्नी वार भी उस सवार नू सुट देंदा जां अपने पैर चुक के अपनी आप हुदरी करदा भी मैं राजी नहीं हाँ, तू मेरे उत्ते सवारी नहीं कर सकदा, बार 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 कोशिश करद्या 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 अखीर उसने उस घोड़े नू आदि कर ही लिया। पर इहदे लई एक मेहनत एक सफर विच उहनू लंघना पिया, कोई सौखा काम नहीं सी। किन्नी मेहनत लगी उस उत्ते, किन्नी एनर्जी वेस्ट होई ते किन्ना समा लग्या, पर वो सारा उस वेले रास आ जांदा है जिस वेले सवार उहदे उत्ते सवारी करनी शुरू कर देंदा है ते वो घोड़े नू उहदी आदत बन जांदी। फिर भावें सैकड़े ओह जिहड़ा है उस घोड़े दे उत्ते बैठ के वो सफर करे, फिर वो बड़े आराम दे नाल सवार दी मर्जी दे नाल तुरदा है, क्योंकि इस तों पहला उहनू आदत नहीं सी, इस तों पहला उहदे सुभाअ विच नहीं सी ये गल। गुरु नानक महाराज पातशाह जी ने यह उदाहरण दिंदिया होया एक होर उदाहरण कवि जी ने वरती के मृग हिरण जिहड़ा है वह उच्चियां छाला मार के दौड़दा है, वह काबू विच नहीं आउंदा। उसनू फड़न वास्ते शिकारी ने घंटे हेड़े का नाद वजाया, और वह नाद आवाज मृग नू बड़ी पसंद है। उसने सब तो पहला यह वेख्या भी इहनू काबू करन दी जुगत की है, तरीका की है। जदों उसने यह जान लिया भी एक आवाज दे राही काबू किया जा सकता है, तो उन्हें उही तकनीक वरती, उहदे सुभाअ नू जान के उन्हूं कंट्रोल विच कर लिया। जदों उन्हूं काबू कर लिया तो इन्नी छेती तो अपनी मन मर्जी छड्डण वाला नहीं सी, क्योंकि अज तक वह आजाद ही रहा, कदे किसी के कंट्रोल विच नहीं सी रहा। जदों मालक ने उन्हूं फड़िया तो उन्हूं बड़ी परेशानी हुई, उन्हूं सिखाउण उत्ते उन्हों अपने कंट्रोल में रखन उत्ते फिर उहदे सुभाअ नूं जाण के मालक हौली 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 उन्हों उहो जी खुराक दिंदा रहा, उस तरह उन्हों पालदा रहा, उन्हों आवाजां दिंदा रहा, हौली हौली उन्हें हिरन भी सिखा लिया। इह उदाहरणां दे राहीं इह दसण दी कोशिश होई कि मन दा अपना सुभाअ है, इह हर मनुख ने अपने अंतर आत्मे विच झाती मार के वेखणी है भी उहदे अंदर दी बणतर किहो जिही है। हो सकता है जिहड़े ख्याल मैं अपने मन च रखे होण तुहाडे उहो जे ना होण, जिहड़े तुहाडे होण तीसरे दे उहो जे ना होण। हर एक मनुख दे मन दी बणतर जिहड़ी है उहदे च कुछ गल्लां ते सांझियां हुंदियां ने पर कुछ नहीं हुंदियां। कुछ सुभाअ साडे सारिआं दे इक्को जिहे होणगे वी साडे विच लालच है, साडे विच क्रोध है, साडे च हौमै है, पर इह हौमै ते क्रोध दी बणतर किसे दी वध किसे दी घट हो सकदी है, यानी कि बीमारी का अनुपात वक्रा वक्रा हो सकता है, किसी च ज्यादा है किसी च घट है, किसी का मन किसी पासे ज्यादा दौड़ेगा किसी का किसी पासे। तो यह गुरु ग्रंथ साहब जी जुगत दसते हैं वो यो ही है कि कोई बचन जदों असी सुनिया जा समझिया, समझण तो बाद फिर उसनू असी बार बार अपने मन उत्ते अपलाई करने की कोशिश की थी। कई बार उहदा अभ्यास होएगा, कई बार छुट्टेगा, क्योंकि इन्नी छेती तो सुभाअ नहीं ना बदल सकता, इन्नी छेती तो आदत नहीं छड्डी जा सकती। इहदा इक्को ही ढंग है, मैं अगे भी बेनती की थी कि शरीरक रूप विच फिजिकली बहुतात लोग धार्मिक चिन्ह भी धारण कर लेंदे ने फिर भी वह अक के छड जांदे हन, इसे करके छड जांदे ने क्योंकि अंदर दी बणतर तब्दील नहीं हो सकी, बाहर दी उहनां नूं करनी पई कर लई पर वह भी निभ ना सकी क्योंकि मन ने सारा कंट्रोल किरदार का करैक्टर का कर्मा का अपने हाथ में रखिया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सब तो वड्डी गल सानू यह समझाते हैं कि सुन तो लैके पढ़न तो लैके गाउण ते कथन तो लैके मनण तक का जिहड़ा सफर है कोई इन्ना सौखा भी नहीं जिन्ना तू समझदा, पर यह तदों सौखा बनता है जे मन नूं हौली हौली सिखाउण वास्ते गुरु दे उपदेश दा अभ्यास सतगुरु दी बाणी दा चिंतन मन दे सुभाअ दे मुताबक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन बाणी दी सिख्या तू अपने अंदर टिकाउंदा रहे। हर का बिलोवना मन का बीचारा गुर प्रसाद पावे अमृत धर, ज्यों ज्यों तो इस नूं चिथण दी कोशिश करेंगा जानण दी कोशिश करेंगा मन दे सुभाअ नूं हौली हौली गुरु दा उपदेश बदलदा जाएगा। इस बदलाव दे विचों ही गुरु दा वचन मनण वाला सुभाअ पैदा होएगा फिर मन्निया जा सकदा है। तो एक क्रिया है
इनू असी एक अभ्यास कह सकते हाँ, इनू असी एक प्रैक्टिस कह सकते हाँ। पंथक सिख रहत मर्यादा विच एक बोल है भी सत संगत विच बैठ के बाणी का अभ्यास करना, सेवा करनी, ये अपने आप में जापते विच नियम विच लियाउण दी एक किरिया है। जिवें तुसी वेखदे हो ना, असी स्कूल विच गए, स्कूल विच सानू जिहड़े अल्फाबैट पढ़ाए गए, सानू जिहड़ी 35 अखरी पढ़ाई गई, सानू जिहड़ी वर्णमाला पढ़ा के हौली 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 अक्खर बोध कराया गया, वह अल्फाबैट स्कूल दे सिखे होए। किसी नूं 30 साल हो गए नूं वरतों च लिया रहे हैं, किसी नूं 40 साल हो गए नूं वरतों च लिया रहे हैं, बेस उन्हां दा उत्थे ही लगा, जिवें पढ़ाए गए जिवें सिखाए गए। उस सारी जिंदगी जिन्ना भी असी पढ़ते हैं, जिन्ना भी असी सुन के कोई भाषा समझते हैं, जिन्ना भी असी लिखते हैं, उन्हां सारियां दी जड़ उत्थे लगी हुई है। वो जिहड़े सिखे सन उस वेले, सिखाए गए सन, वो साडे दिमाग विच उवें टिके हुए ने। सिखाउण लग्या भी सानू कि एडा सौखा नहीं सी सिखा दिता गया, किन्नी मेहनत लगती। एक बच्चा अगे अगे बोलता, उस मगर सारी क्लास बोलती। उस बच्चे नू वो गल सिखाउण लई कई लंबी क्रिया जड़ी सी, वो बच्चे की मानसिकता नू सामने रख के बनाई गई कि इस नू केड़ी गल सौखे ढंग नाल समझ आ सकती है, केड़ा शब्द सौखे ढंग नाल समझ आ सकता है। इस तरह वर्णमाला के अखर ते जोड़, उदियां क्रियावां ते उदी ग्रैमर, कई कुछ जिहड़ा सी ओह बच्चे नूं सिखाया गया। उही बच्चा वड्डे वड्डे ग्रंथ लिखण भी लग पैंदा ते पढ़न भी लग पैंदा, पर उस नूं एक लंबे अभ्यास विचों निकलना पिया इत्थों तक पहुंचण वास्ते, कोई गल समझण वास्ते। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी तदों ही यह बचन कहती है, तुरक तरीकत जानी है हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारण कशुअक पढ़ी है गया। ये वक्री गल है भी जिन्ना गुरु बाणी का उपदेश है, इसनों असी बाहर मुखी जां इउं कह लो कि रस्मां रीतां दे विच थोड़ा जिहा ज्यादा लैके आए हाँ, इस नूं बड़े टिका नाल समझ के अपने जीवन नूं इस बाणी दे मुताबक ढालण दी ते अपने अंतर आत्मे नूं जीवन दे सुभा नूं गुरबाणी मुताबक बनाउण दी कोशिश विच असी बहुत घट समा खर्च कीता। फिर भी इह गुरु महाराज दी बख्शिश समझी जानी चाहीदी है कि जितना भी असी गुरबाणी नूं गाउण दी सुण दी कथन दी कोशिश करांगे, और इदों अगला पड़ा है समझण दी कोशिश करांगे, उन्ना ही गुरबाणी के सिद्धांत तो असी होर डूंगे जाणू होंदे जावांगे। नहीं तो बहुत आत इस तरह हुंदा है कि जिन्या को पता है उन्होंने पता रह जाता है, जिन्हों नहीं पता उन्होंने पता ही नहीं लगता, सारी उम्र ही नहीं लगता। उसका एक कारण है क्योंकि जग्यासा इच्छा तांग जिहड़ी है भी आखिर गुरु ग्रंथ साहब के विच क्या की गया है, इस नूं जानण दी साडे अंदर बहुत घट हुंदी है। तो दसण वाला भी दो चार बार गल करता है, जदों उन्हूं पता लगे कि किसी दे वस दी खेड़ नहीं है, जां कोई सुनना ही समझना ही सीखना ही पसंद नहीं करता, तो भी चुप करके घर बह जाता। किस नाल सिर खपाई की जाए, किस नूं दसिया जाए, किस नूं समझाया जाए, क्योंकि कोट मध्य को बिरला सेवक होर सगले ब्योहारी। बहुतात लोग जिहड़े हन उह गुरबाणी नूं व्यवहार दे तौर ते बाहरी रस्मों रिवाज दे तौर ते यूज करदे ने वरतदे ने, इत्थे सारी अड़चन है। जिसनों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहिंदे ने हों हों करते कर्म रात ताको भार अफार, जिन्ने उह बाहरों कर्म कांड करी जांदे ने रस्मां निभाई जांदे ने, उह इक हौमै दे भार थले जरूर दबे जांदे ने भी असीं आह कर लिया असीं उह कर लिया, पर जे गुरमत दे मुताबक उस जीवन नूं तुसीं बाणी दी कसवटी ते परख के वेखो ते कख वी नहीं लभदा कि उह गुण जिहड़े गुरबाणी सिख दे विच पैदा करना चाहुंदी है, उह सुभाअ जिहड़ा गुरु दा बाणी दा सिख दे जीवन च होना चाहीदा है, उह जिहड़ा किरदार जिस दी बणतर गुरबाणी ने तैयार करनी है सत संगत विच सिख दे जीवन विच, उह किथे करम ते हन, अभ्यास हो रहे ने, जुगतां हो रही ने, बाहरी ढंग तरीके तुसी किसे नूं भी खिलार के पुछ लो कि बाणी पढ़न दा ढंग की है, तुहानूं बहुत लंबी चौड़ी मर्यादा अगला दस जाएगा। बहुत इस तरह हो रहा, कोई सिमरन करन दे ढंग पुछ रहा है, कोई बाणी पढ़न दीआं जुगतां पुछ रहा है, कोई कुछ रस्मों रिवाज, कोई कुछ
बहुत सारा लोगों ने ऐसा मटीरियल इकट्ठा किया हुआ है, पर प्रश्न यह है भी जदों गुरमत गुरबाणी दे विचार नाल सिख दा जीवन ही नहीं मिलेगा तो ये जुगतां किस अर्थ रह जाणगी, इन्हां दा की मतलब है। यूं कह लवो कि यह भी एक जग्यासु बिरती नूं उलझा देण दा एक ढंग हुंदा है कि उहदी भुख मार दिओ, उहदे मन नूं जिहड़ा कि गुरबाणी दे गुण ग्रहण करन वास्ते उहने गुरमत दे नेड़े होणा सी उहनूं होर पासे उलझा के लै जाओ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣੀ ਉੱਧਰ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਉਲਝ ਅਲਝ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤੇ ਅਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी विच भी कर्म कांडां दी भरमार हुंदी गई और इन्ने कर्म कांड वध गए कि जग्यासा जिहड़ी सी उह कर्म कांडां दे बोझ थले ही नपी गई। भट्टां दा वचन एक आउंदा है बाणी दे विच, उह धन गुरु अमरदास महाराज की पावन शरण विच सब तों पहलां आए सन। भट्टां ने एक गल का जिक्र किया, रहे हो संत हां टोल साध बहु तेरे डिठे, सन्यासी तपस्ये मुखों ए पंडित बिठे, बरस एक हों करियो कनै ना परचो लायो, कहते हां कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। अगे कहिंदे ने हर नाम छोड़ दूजे लगे, तिनके गुण हों क्या कहो, गुरदई मिलायो भिखिया जिम तू रखें तिम रहो। पट भिखा जी का यह सवैया है तीसरे पातशाह महाराज के सवैया दे विच जो उस प्रथाए उचारण किए ने उन्होंने दर्ज है। इस सवैये च उन्होंने जिक्र किया भी एक साल तकरीबन एक साल सानू सन्यासी उदासी बड़े विद्वान पंडित जन बड़े गुणी ज्ञानी बड़े धार्मिक रस्मां रीतां निभाउण ते मर्यादावां दसण वाले सारयां दे नाल उह कहिंदे ने तकरीबन साडा मेल मिलाप होया, पर जिहड़ी जग्यासा उन्हां दे मन विच सी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤੇ ਆ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਜੋ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਰਵਾਏ ਉਹ ਮਨ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਰਹਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਹਿਣੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉੱਚਾ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗਿਆਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਰਮ 'ਤੇ ਭਟਕ ਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਬੜੇ ਦਾਨੇ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਹੋ, ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਿੱਖੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਉਸਤਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੇ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੋ।
और तुहानू समझ आएगी घट मैं खिल है अघट अपार घट कहिंदे ने इस शरीर नूं हिरदे नूं ओह अकाल पुरख वाहिगुरु जी जिसका अपना कोई शरीर नहीं कोई वजूद नहीं कोई आकार नहीं ओह अपार जी का कोई पारला पासा नहीं बेअंत रब अकाल पुरख हर एक शरीर ते हिरदे विच खेड रहा है हर एक हिरदे विच उहदी जोत वसी हुई पाव उस नूं बाहर ना लभो वह तो तुहाडे हिरदे च वसदा है घट मैं खिल है अघट अपार काल कल्पना कदे ना खाए जिहड़ा उसनू अपने हिरदे विचों गुरु उपदेश राही जानण दी कोशिश करदा है आत्मक मौत उसदे नेड़े नहीं आउंदी काल दा अर्थ हुंदा है मौत आप जिस वेले जप जिसनू आपां सत्कार नाल जपजी साहिब कहिंदे आ इस बाणी दा पाठ करदे हो इस विच आप जी इह पंक्ति पढ़दे हो सुणे पूह ना सकै काल काल दा भाव है आत्मक मौत एक है शरीरक वजूद दा मिट जाना शरीर दी मौत ये ते सदीवी है हुक्म है ये वापरेगा एक है आत्मक मौत जिहड़ी जीव दे उत्ते वापरदी और अंदरों रब्बी गुणा दा खत्म हो जाना सच्चियारी जिंदगी अंदरों पूरी तरह नाल खत्म हो जानी अंदरों हसरत मर जानी चंगे पासे दी चंगियाई नूं कमाउण दी चंगे अनुभव मुक जाने इस नूं मौत आखिया आखां जीवां विसरै मर जाओ ਇਹ ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਲਪਨਾ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਝੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਪਸੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਰਹਿ ਸਮਾਏ पर ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਆਦਿ ਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਥਿਤ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਕੇਤ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਦੁਤੀਆ ਦੋ ਹੰਕਾਰ ਜਾਣੈ ਅੰਗ दूसरी थित का उपदेश देंदे महाराज कहिंदे ने भी दो चीजा का एकत्र सोमा दोवां चीजा दे नाल एक है माया ते दूसरा है ब्रह्म माया का भाव है प्रकृति कुदरत कुदरत विच वसिया होया है इस कुदरत नूं पैदा करन वाला कादर जिसनूं तुसीं पढ़दे हो आसा की वार की पहली पौड़ी विच आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाउ दुई कुदरत साजी है कर आसन डिठो चाओ इस दी पुराने ग्रंथां विच माया ते ब्रह्म दे रूप विच बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है पर गुरमुख सानू इन्ना समझाउंदी है कि करते ने कुदरत दी रचना कीती है ते कुदरत दी रचना करन तो बाद वो अपनी कुदरत विच ही व्यापक है असीं मंगलाचरण विच पढ़दे हां करता पुरख करता का मतलब जिन्हें क्रिएट किया बनाया सिरजिया सिरजनहार है जो ते पुरख का मतलब अपनी बनाई हुई कायनात विच जिहड़ा जोत ते सत्ता रूप विच गुण रूप विच वस गया है सतगुरु जिसनूं बाणी दे विच आखदे ने कर आसन डिठो चाओ आसन ला के बैठ के कुदरत विच व्यापक हो के सारी कुदरत दे तमाशे नूं तूं निहार लिया है तक रहा है इस वास्ते गुरु महाराज कहिंदे ने दुतिया दोहों कर जाने अंग सतगुरु कहिंदे दो हिस्सों नूं समझे एक है माया ते एक प्रकृति और दूसरा है ब्रह्म कादर दोवें ही ओतपोत ने अगे आखदे ने माया ब्रह्म रमै सब संग माया ते ब्रह्म हर जगह दे उत्ते ओतपोत हन भाव करते नूं कुदरत तों वखरा करके नहीं वेख्या जा सकदा जिसनूं बाणी दे विच कहा गया सतगुरां ने कुदरत दिसै कुदरत सुणीऐ कुदरत भउ सुख सार बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या गुरमत दा सब तों वड्डा संसार दे लई फलसफा ही इह है कि रब नूं लभण वास्ते जिहड़ा बाहर भटकदा है उसनूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने सोझीवान नहीं मन्निया उसनूं अग्ञानी मन्निया क्योंकि जिहड़ा बाहर भटकण के लभण की कोशिश करदा इहदा भाव कुदरत ते कायनात विच
मनुखी जीवन विच रब दी होंद नूं स्वीकार नहीं करदा। उहदे भाणे रब एक जगह ते रहिंदा। गुरमत उस नूं हर जगह ते मंदी है। जल थल महियल पूरिया स्वामी सिरजन हार, अनक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार। तू गरीब नवाज कहिंदे ना उह वड्डा ना घटदा जाए, ना उहदी होंद वधदी है, भाव ना समां उहदे ते प्रभाव पाउंदा है, ना उह घटदा है, ना उहदी होंद विच कोई घाटा पैंदा है। अकुल निरंजन नेकै पाए, उह बिना किसे कुल वाला, जिहदा कोई खानदान कुल, लोकां ने भगवान मिथे ते उहनां दी कुल मिथी, क्योंकि भगवान बिना कुल तो हो ही नहीं सी सकदा, बिना खानदान मां बाप तो हो ही नहीं सी सकदा जिहड़ा उहनां ने मिथिया। पर गुरमत ने आख्या वह करता पुरख किसी खानदान ते कुल दा मुथाज नहीं, वह निरंजन है माया दे प्रभाव तो रहत एकै पाए। उस सारी कायनात विच एक रूप एक समान निरंतर वसिया होया है। तीसरी थित बाबत सतगुरु उपदेश दिंदे हन। तृतीया तीने सम कर लिया वै, माया दे तीन अगे गुण मन्ने गए ने, रजो गुण तमो गुण सतो गुण, जिसनू बाणी कहिंदी है रज गुण तम गुण सत गुण कही है, ये तेरी सब माया। माया दे तीन सुभाव सतगुरु कहिंदे ने रब दा प्यारा गुरु दा उपदेश लैके माया दे ना तिना सुभावां नू बराबर रखदा है, भाव बैलेंस रखदा है, जिहनू सहज ते आत्मक अडोलता बाणी ने कहा, चौथा पद तुरी अवस्था कहा, जिसनू धन गुरु तेग बहादुर महाराज दा शब्द बहुत सोहणे ढंग नाल इस चौथी सहज अवस्था की गल बयान करता है। जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सोख स्नेह अरपै नहीं जाकै। जो असी यह सारा शब्द पढ़ के ये भाव को समझते हैं, यह वो आत्मक डोलता की अवस्था है जिसका जिक्र गुरबाणी च सहज के रूप में होया, जिसनों चौथा पद भी कहा गया, जिसनों गुरबाणी ने विवेक भी आख्या। तो महाराज कहिंदे ने आनंद मूल परम पद पावै, आनंद दे सोमे नू प्राप्त करके उची आत्मक अवस्था ते पहुंचदा है। साध संग उपजै विश्वास, गुरु दी संगत विच बैठ के उस रब्बी होंद उते उस दे मन दा यकीन बन जांदा है। बाहर भीतर सदा प्रगास, उस दे हिरदे विच भी ते बाहर विच भी वसदे होए अकाल पुरख दी उस नू निरंतर एक सार सोझी चानण उस दी सुरत विच हुंदा है, भाव ਉਹ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।